दोस्तों, हमारी धरती बड़े ही अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है और आज भी हमारी धरती पर कुछ ऐसे चमत्कार देखे गए हैं जिनके रहस्यों को आज की साइंस भी नहीं सुलझा पा रही। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे भारत में हुए चमत्कारों को दिखाएंगे जिन्हें आप चाहे जितना मर्जी बार देख लो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये कुतुब मीनार का है और लोगों का ये मानना है इस वीडियो में उड़ता हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। और जैसे ही इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया तो ये बहुत ही जल्दी वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग फोटो खिंचा रहे थे लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख कर वे दंग रह जाते हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये वीडियो किसी एडिटिंग का कमाल नहीं है बल्कि ये सच में रियल है। भगवान हनुमान उन भगवान में से एक है जिन्हें अमर होने का वरदान मिला है और कई लोगों ने भगवान हनुमान को सच में भी देखा है। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में एक इंसान भगवान को एक चम्मच से दूध पिला रहा है। जैसे ही इंसान चम्मच को भगवान की मूर्ति के सामने रखता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी की मूर्ति सच में दूध पी रही होती है। अब दोस्तों, ये वीडियो तो आपको सच में सोच में डाल देगी। दरअसल एक शख्स अपने कैमरे से माँ काली के मंदिर की मूर्ति की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और जब घर जाकर उसने वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। जैसे ही शख्स कैमरा ऑन करके दाएं और बाएं तरफ जा रहा था ठीक वैसे ही माँ काली की आंखें भी मानो उसी को देख रही थी। ये दाएं जाता तो माँ काली दाएं देखती और ये बाएं जाता तो माँ काली बाएं देखती। अब कुछ लोग इस वीडियो को ऑप्टिकल लिवोजन का नाम दे रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे माँ काली का सच्चा चमत्कार माना है। दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु के हैं तो आपको लॉर्ड ऑफ तमिलनाडु यानी लॉर्ड ऑफ मुरुगन के अविश्वसनीय चमत्कारों के बारे में तो पता ही होगा। दोस्तों, एक बार लॉर्ड मुरुगन की प्रतिमा के सामने उनकी आरती करी जा रही थी लेकिन तभी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर कई लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दरअसल इस आरती के दौरान कुछ वक्त पर लॉर्ड मुरुगन की आंखें खुलती हुई नजर आ रही थी। आरती करने वाला जब आरती को नीचे की तरफ ले जा रहा था तो लॉर्ड मुरुगन की आंखें भी खुली हुई नजर आ रही थी। अब ये सब कोई मूर्ति बनाने वाले की कलाकारी तो नहीं थी लेकिन लोगों ने इसे लॉर्ड मुरुगन के चमत्कार का नाम देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि भीड़ से भरी सड़क पर लोग आते जाते हैं लेकिन उसी भीड़ के बीच शिव भगवान की मूर्ति के पास से अचानक त्रिशूल उड़ने लगता है। त्रिशूल उड़ता देख लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है एक सीसीटीवी कैमरा ने। दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा केस आया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख डाला। अब इस बूढ़े आदमी की सांसें रुक गई थी और डॉक्टर ने भी इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था और लोग इनके अंतिम संस्कार के लिए इन्हें शमशान घाट की तरफ ले आए। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि शरीर लकड़ियों के ऊपर ही था और लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे लेकिन तभी इनका दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया और इनकी सांसें भी चलनी शुरू हो गई। अब इसके बाद लोग इसे देखकर हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और तुरंत उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया और अंतिम संस्कार में आए सभी लोग वापस अपने घरों को चले गए। दोस्तों, इस वीडियो को सन 2010 में नासिक के एक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया और नासिक जो है वह तो आपको मालूम ही है कि हनुमान जी का जन्म स्थान है लेकिन पास में ही एक फैमिली हनुमान जी की वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी और तभी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हनुमान जी की आंखें हिल रही थी और वे फैमिली इस चमत्कार को देखकर हैरानी में पड़ गई। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान होने के कारण हनुमान जी इस मंदिर में असलियत में हैं। दोस्तों, ये वीडियो वीरभद्र मंदिर के पास से रिकॉर्ड किया गया था और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ में पीपल के पेड़ के बीचों बीच शिवलिंग प्रकट हुआ और इस जगह के आसपास बहुत सारे शिवलिंग खुदाई करने के बाद मिले। मान्यता है कि अगर कोई भी इंसान इस मंदिर में आकर कोई इच्छा मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। और ये रही इस मंदिर की छोटी सी क्लिप।
दोस्तों, इस वीडियो को एक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में साईं बाबा जी की मूर्ति पर कुछ लोग दूध से नहला रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद साईं बाबा जी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप भी देखिए ये वीडियो, और कई लोग इसे साईं बाबा जी का चमत्कार मानते हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये सब मूर्ति की स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही पुरानी है और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पूजा करते वक्त माँ के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। कभी दुर्गा माँ हंस रही है और कभी गुस्से से देख रही हैं। और ये रहा पूरा वीडियो। दोस्तों, ये चमत्कार देखकर आपको क्या लगता है? और कई लोगों का ये कहना है कि ये सब मूर्ति की कलाकारी की वजह से हुआ है और कई लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। अगर आप दुर्गा माता के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो शंकर भगवान के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब पुजारी शिवलिंग के ऊपर घी अर्पण कर रहा था और जब पुजारी शिवलिंग के ऊपर से घी साफ कर रहे थे, तभी शिवलिंग के ऊपर एक इंसानी फेस बन गया जिसे कई लोग शिवजी का चेहरा मानते हैं। और ये वीडियो 100% रियल है और इस वीडियो में एक भी एडिटिंग नहीं की गई है। और ये रहा पूरा वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो तिरुपति बालाजी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान बालाजी की मूर्ति को पसीना आ रहा होता है और ये सब देखकर वहां खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। आम तौर पर देखा जाए पसीना सिर्फ जीवित लोगों को ही आता है, लेकिन ये ऐसे कैसे हुआ? क्या बालाजी की मूर्ति में भगवान सचमुच है? दोस्तों, ये वीडियो एक गुफा में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में कुछ लोगों को गुफा के अंदर से एक शिवलिंग दिखाई देता है और ये शिवलिंग सूरज की रोशनी से एक चेहरा बनता है। कहा जाता है कि ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि महादेव का है। और ये गुफा का वीडियो कुछ देशों में वायरल भी हो गया था। और ये रहा इस वीडियो का क्लिप। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये चेहरा सच में महादेव का चेहरा था? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने गणपति जी की मूर्ति है जिसे कुछ लोग मोबाइल से फिल्मा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और ये रहा वह वीडियो। दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उनकी आंखें हिल रही थी? और इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि इस मूर्ति में गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये वीडियोस रियल हैं या फेक? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।